यूपी में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण यानी कि 8 मार्च को होने वाले मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी वाराणसी में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसमें वो नेता शामिल हैं जो नाराज चल रहे थे, और वो नाराज इसीलिए थे क्योंकि इस बार पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला है। पीएम मोदी सुबह 10 बजे गड़वा घाट जाएंगे और इसके बाद पूर्व पीएम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के घर भी जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री रोहनिया में 12 बजे रैली करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज 10:30 बजे वाराणसी में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले दोनों ने गठबंधन के बाद लखनऊ में भी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीएम मोदी के रोड शो में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम महिलाएं अपने सांसद और प्रधानमंत्री को देखने के लिए बेताब दिखी। मोदी को मुस्लिम महिलाओं ने रोड शो के दौरान शॉल भेंट की, जिसे उन्हें स्वीकार कर लिया। काशी में पीएम के रोड शो में मुस्लिम समुदाय के पुरुष भी देखे, और इसके साथ ही पक्ष में नाराजगी भी, नारेबाजी भी चल रही थी। शनिवार के रोड शो में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम का स्वागत किया था। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल उठाए। उन्होंने रोड शो को तामझाम बताते हुए कहा कि ये एक तरह की हताशा को दिखाता है। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो पर उनकी सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठा दिया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री का रैली करना तो ठीक है, लेकिन रोड शो में उनका शिरकत करना वाजिब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम के रोड शो पर सवाल उठाने पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कुशवाहा को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ताकत झोंक दी है। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अंबेडकर नगर, जौनपुर और गाजीपुर में सभाएं की। इसके साथ ही वो अपनी ताकत झोंकते नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एसपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बावजूद अखिलेश यादव की पुलिस गायत्री प्रजापति को नहीं पकड़ पाई, इस बात का भी जिक्र किया। मुसलमानों को लेकर अल्पसंख्यक दर्जे पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस विषय पर बहस होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में इस पर बहस होनी चाहिए कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन नहीं। वहीं गिरिराज सिंह ने अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना जरूरी नहीं है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी, लेकिन भारत में हिंदू ही बहुसंख्यक रहेंगे। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2050 तक मुस्लिम आबादी 73% बढ़ेगी, ईसाई 35%, हिंदू 34% और यहूदी 16% की दर से बढ़ेंगे। केरल के कोझिकोड में आरएसएस के 3 और कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। हमले के बाद बीजेपी ने केरल सरकार पर हमला बोला। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप सीपीएम समर्थकों पर लगाया गया है। कोझिकोड में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर 4 दिन के अंदर हमले की ये दूसरी वारदात है। बीजेपी के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी केरल में क्राइम पार्टी बन गई है, और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने केरल में अराजकता का माहौल कायम होने की बात कहकर सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। यूपी विधानसभा के चौथे चरण के लिए सोनभद्र में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखी आलोचना की है। सीएम अखिलेश ने मोदी सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने यहां के लिए कुछ भी नहीं किया, और अगर फिर से सरकार बनी तो एसपी आगे और भी विकास करेगी। सोनभद्र में राहुल गांधी ने कहा कि कर्ज माफी का वादा करने के बावजूद कर्ज माफ नहीं किए गए, जो कि गलत है। अंतिम चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर शामिल हैं।
बीजेपी ने चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की शिकायत की है। बीजेपी ने सीएम अखिलेश पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दरअसल भदोई में जनसभा के दौरान अखिलेश ने कहा था कि वोट के पैसे मिले तो ले लेना, लेकिन वोट एसपी को ही देना। रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति को लेकर यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने अब सीएम अखिलेश यादव से पूछा है कि इस इल्जाम के बावजूद प्रजापति को कैबिनेट से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में गायत्री प्रजापति की याचिका पर भी सुनवाई है। सीएम अखिलेश को लिखी चिट्ठी में राम नाईक ने कहा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, ऐसे में उनके कैबिनेट में बने रहने की और कोई कार्रवाई ना किए जाने की संवैधानिक मर्यादा और नैतिकता पर सवाल उठता है। नाईक ने ये भी आशंका जाहिर की है कि गायत्री प्रजापति विदेश भाग चुके हैं। बलात्कार के आरोपी यूपी के फरार मंत्री गायत्री प्रजापति का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस मामले में गवर्नर ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर गायत्री के कैबिनेट में बने रहने को लेकर सवाल उठाए। गायत्री प्रजापति की तलाश में लगी पुलिस ने सभी हवाई अड्डों को अलर्ट जारी कर दिया है ताकि वो देश छोड़कर बाहर ना भाग पाए। गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पॉक्सो कोर्ट गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुका है। गायत्री प्रजापति के करीबी लेखपाल अशोक तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के बाद अब रेप केस में एक और पार्टी के नेता बुरी तरह से फंस गए हैं। इस बार अयोध्या सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बजमी सिद्दीकी और उनके साथ 6 साथियों पर एक महिला के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है। लखनऊ के कोतवाली चौक इलाके में एक ज्वेलर की दुकान में बदमाशों ने धावा बोलकर करीब 50 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया। कोतवाली चौक इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा हथियार बंद बदमाश दुकान में घुसे। लूट का विरोध करने पर सराफा कारोबारी प्रवीण रस्तोगी के बेटे को बदमाशों ने गोली से भून दिया। डकैती की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल ज्वेलर को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डकैती की वारदात के विरोध में सर्राफा व्यापारियों ने आज बंद का ऐलान किया है। वहीं लखनऊ में ज्वेलर्स की दुकानें आज बंद रहेंगी। यूपी के बहराइच में अवैध संबंधों के शक में एक विवाहिता महिला पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। उसे युवती 90% तक झुलस गई। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना विशेषरगंज इलाके के खानपुर मोहल्ला गांव की है। पड़ोस की रहने वाली दो महिलाओं पर युवती को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अभी वो अपने मायके में रह रही थी। आरोपी महिला को शक था कि पीड़िता के उसके पति के साथ अवैध संबंध थे। इसी के चलते पीड़िता पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में शादी से एक दिन पहले दूल्हा गायब हो गया। शनिवार को शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शाम को दूल्हा जितेंद्र फेशियल कराने की बात कहकर घर से निकला और उसके बाद से अब तक उसका कोई पता नहीं चला है और मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। लड़के पक्ष की काफी फजीहत होने के बाद दोनों पक्षों ने मिलकर इसकी शिकायत पुलिस में की। हालांकि दुल्हन पूजा को अभी भी दूल्हे जितेंद्र की वापसी का भरोसा है। फिलहाल पुलिस जितेंद्र की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर में बारात लेकर आए शराबी दूल्हे के 20 लाख रुपए दहेज की मांग करने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के परिजनों ने शराबी दूल्हे और उसके कई रिश्तेदारों को पुलिस के हवाले कर दिया। दुल्हन की माने तो उसके परिजनों ने दहेज में 7 लाख रुपए की कार, लाखों का आभूषण और नकदी देने के बावजूद 20 लाख रुपए और मांगे गए। अब दुल्हन बिहार की तरह यूपी में भी शराबबंदी के पक्ष में है। इलाहाबाद में एक बड़े व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेखौफ बदमाशों ने चिट्ठी भेजकर व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। वहीं रंगदारी वसूलने के लिए लिखे गए खत इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र के एक पोस्ट ऑफिस से भेजे गए हैं।
धमकी के बाद से व्यापारी अनिल हांडा और उसके परिवार वाले दहशत में हैं। पुलिस ने व्यापारी को सुरक्षा मुहैया करा दी है और घर के फोन भी सर्विलांस पर लगा दिए हैं। जांच की बात भी की जा रही है। भारत चीन सीमा पर बनने वाली सड़क को लेकर काम काफी तेजी से जारी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सेना के 17 हेलीकॉप्टर निर्माण स्थल पर सामान पहुंचा रहे हैं। जिला अधिकारी के मुताबिक प्रशासन भी इस काम में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। चीन सीमा तक भारतीय सरहद को जोड़ने के लिए व्यास घाटी से 65 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है। उच्च हिमालय में 27 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, साथ ही 3 पुल भी अब तक बन चुके हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का दौरा किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा भारिया जनजाति के लोगों से मिले और उनकी संस्कृति रहन सहन के बारे में जानकारी ली। इसी दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा पातालकोट से राजखोहा तक पैदल चलकर गए और वहां रहने वाले जनजाति के लोगों से मिले। उन्होंने उनके संरक्षण की अपील की है। जम्मू कश्मीर के त्राल में करीब 12 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों के मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। उरी के रहने वाले शहीद कांस्टेबल मंजूर अहमद को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। इस एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकियों में से एक आकिब भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट था और पिछले 3 सालों से सक्रिय था। सिंधु जेल संधि को लेकर लाहौर में भारत पाकिस्तान के बीच 20 और 21 मार्च को बैठक होगी। उरी में हुई आतंकी हमले के बाद भारत ने ये बैठक टाल दी थी। बताया जा रहा है कि बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि वित्त वर्ष में कम से कम एक बार इस संधि को लेकर बातचीत जरूर होती है। भारत की तरफ से सिंधु जल आयुक्त और विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज एलजी अनिल बैजल की अभिभाषण से शुरू होगा। उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद बैजल का दिल्ली विधानसभा में ये पहला संबोधन होगा। ये बजट सत्र 5 दिन का होगा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र भी आज से ही शुरू होना है। सुबह 11 बजे राज्यपाल सी विद्यासागर राव बजट सत्र को संबोधित करेंगे। बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। अप्रैल में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में भ्रष्टाचार और साफ सफाई का मुद्दा प्रमुखता से उठने की संभावनाएं हैं। राजनीतिक पार्टियां युवा और महिला उम्मीदवारों के सहारे जीत हासिल करने की योजना बना रही हैं। नगर निगम चुनाव में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच संघर्ष होता था, लेकिन अब इस बार आम आदमी पार्टी और स्वराज इंडिया भी मैदान में है। बिहार में बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी दिल्ली में निगम चुनाव लड़ेगी। पार्टी के 4th स्थापना दिवस के मौके पर इस समारोह को संबोधित करते हुए आरएलएसपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इसका ऐलान किया कि उनकी पार्टी दिल्ली निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी युवा मोर्चा ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आयकर अधिकारियों ने पिछले हफ्ते सत्येंद्र जैन की 33 करोड़ रुपए की कीमत की बेनामी संपत्ति जब्त की थी और इसके लिए उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तय सीमा में डिग्री की पढ़ाई पूरी न करने वालों पर छात्रों को विशेष अवसर का प्रावधान हटाने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी के फैसला लेने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कहना है कि छात्रों को समय पर अपनी डिग्री पूरी करनी चाहिए और अगर किसी वजह से ये पढ़ाई बाधित होती है तो छात्रों को कुछ अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है। मुंबई में ओला उबर समेत तमाम निजी टैक्सी चलाने वालों को अब सरकारी परमिट हासिल करना होगा। सिटी टैक्सी स्कीम 2017 के तहत अब शहर में ऑपरेशन के लिए ओला उबर और एप बेस्ड टैक्सियों को सरकारी टैक्सी परमिट लेना जरूरी कर दिया गया है।
मुंबई दादर के शिवाजी पार्क में सेल्फी पॉइंट को बीएमसी कमिश्नर ने बंद करने के आदेश दिए हैं। इस सेल्फी पॉइंट की शुरुआत एमएनएस ने की थी, इसके बाद से ये सेल्फी पॉइंट खासा लोकप्रिय होने लगा, लेकिन अब बीएमसी इसे बंद करने जा रही है। मुंबई में रविवार को लोकल ट्रेनों में मेगा ब्लॉक की वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कतें आईं। मेगा ब्लॉक का असर हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन पर पड़ा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच हार्बर लाइन की ट्रेनें ठप रही, जबकि सेंट्रल लाइन की ट्रेनें देरी से चली। जेल टूरिज्म की चाहत रखने वाले आम लोगों को मुंबई से सटी ठाणे जेल की सैर कराने के लिए जिला प्रशासन ने नायाब एक तरीका ढूंढ निकाला है। जेल प्रशासन ने जेल टूरिज्म योजना के तहत 500 रुपए अदा कर जेल पर्यटन करने के लिए इच्छुक लोगों को जेल घुमाने की योजना तैयार की है। इसके तहत देश में तेलंगाना की जेल में जेल टूरिज्म योजना लागू होती है। मुंबई में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 45,000 परिवारों को मालकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई के स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी SRA ने 35,000 घरों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने का फैसला लिया है। इसमें से 1,00,000 लोगों को पानी और लाइट के अधिकतम भुगतान से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से डॉक्टरों की करतूत की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। ग्वालियर के जयारोग के अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने एक शख्स के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस आला अधिकारियों से शिकायत कर ली है और उसके आधार पर जांच और फिर से कार्रवाई की बात कर रही है। बिहार के आरा में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शनकारियों ने बटहरा थाने में आगजनी की और पुलिस पर पथराव भी किया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस ने एक नर्सिंग होम के पास से भारी संख्या में भ्रूण के अवशेष और हड्डियां बरामद की हैं। खेत में खुदाई के दौरान पुलिस को 19 प्लास्टिक के बैग्स में ये हड्डियां और भ्रूण मिले। पुलिस ने गैरकानूनी अबॉर्शन की आशंका के बाद नर्सिंग होम को सील कर दिया। नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर फिलहाल फरार हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर BHMC के हैं और इसके साथ ही बावजूद वो नर्सिंग होम को ऑपरेशन, सर्जरी और गर्भपात के लिए इस्तेमाल करते थे। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक का हरियाणा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है उन्होंने, और साक्षी की जीत पर हरियाणा सरकार ने उन्हें कई इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक साक्षी मलिक हरियाणा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने कहा है कि सारी घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। साक्षी मलिक के पिता ने कहा कि विवाद पैसों को लेकर नहीं बल्कि गांव में स्टेडियम बनवाने, कोच को 10,00,000 रुपए देने और 500 गज का मैदान बनाने को लेकर है। रोहतक की रहने वाली साक्षी को हरियाणा सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए देने का इनाम देने की घोषणा की। हरियाणा में देसी और अंग्रेजी शराब महंगी हो गई है। सरकार के आदेश के बाद हरियाणा के 185 पंचायतों में शराबबंदी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही शराब के कोटे में परिवर्तन नहीं किया गया और राज्य में रिटेल आउटलेट की संख्या को अधिकतम संख्या 3,500 की गई है। हरियाणा में अंग्रेजी शराब महंगा होने के बावजूद भी सरकार को विदेशी शराब बिक्री के लिए 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत नेशनल हाईवे पर और स्टेट हाईवे पर दोनों तरफ 500 मीटर तक शराब की सेल की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान के कराची में कोस्ट गार्ड ने 85 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की सीमा में घुसने के आरोप में मछुआरों की 14 नाव को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी मछुआरों को जेल भेज दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रैवल बैन पर रिवॉर्डेड एग्जीक्यूटिव
ऑर्डर लॉ ला सकते हैं। इसमें पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री बैन की जा सकती है। इससे पहले 27 जनवरी को ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा दिया था और ये ऑर्डर पास किया था। हालांकि इस लिस्ट में ये इराक का नाम हटा दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद से ओबामा के खिलाफ जांच की मांग की है। ओबामा पर राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। ट्रंप ने ओबामा चुनाव प्रचार के दौरान फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया है।